डेट आप जो भी डालें, ये ख्याल रखना कि जल्द की हो। ज़ैन के नाम साथ की मेल आई। ज़ैन के नाम? मैंने खोल के देखी, इस पे ज़ारा के डिवोर्स पेपर्स हैं। What? ज़ारा वो पहले से शादीशुदा था। क्या? हाँ। किसी औरत को प्यार का धोखा देकर यहाँ सेटल होने की कोशिश की उसने। मेरी बात पर यकीन करो। मैं खुद जाकर पता करूँ। उसने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं ज़ारा। इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी आती हूँ। ओके। ज़ैन, तुम्हारी कब से बात नहीं हुई जाफर से? नहीं, एक दो दफा हुई थी बस, उसके अलावा कोई खास नहीं। तुम अपने मोबाइल से उसका नंबर मिला कर दो, मेरा तो फोन ही अटेंड नहीं कर रहा। मेरा मोबाइल चार्ज नहीं, अम्मी चार्ज हो रहा है, मैंने सुबह करवा दूंगा नंबर। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो मैं खाला और ज़ैन के पास बैठी हुई थी। वो मुझे वो पेपर्स चाहिए। पेपर्स? पेपर्स क्यों चाहिए? इना इस वक्त सवाल जवाब का टाइम नहीं है, ये बताओ तुम कहीं बाहर मिल सकती हो? इस वक्त तो मैं ज़ैन के साथ ही आ सकती हूँ। क्यों? ड्राइवर कहाँ है? ओके, लेट मी चेक। बेटा, बाप बेटियों से खुशियाँ शेयर करते हैं, दुख और परेशानियाँ। तो इसका मतलब बाबा, आपको तो बेटे की बहुत कमी महसूस होती होगी। और बाबा, आप तो हमेशा से कहते थे कि हम आपका बेटा हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते? मेरी दी हुई तबीयत पे अमल करना, अपने घरों में मिसाल बन के रहना, लोगों को ये पता ना लगे कि तुम अपनी माँ के बच्चे हो। जो भी फैसला करो, इज्जत और वकार के साथ। तुमने ऐसा क्यों किया? आपकी बार तो वही किया जो तुम चाहती थी। मैं चाहती? तुम पागल तो नहीं हो गए? मैंने ऐसा कब कहा तुमसे? यही तो मसला है कि तुमने कभी कुछ कहा ही नहीं था, तुम तो चुप थी बिल्कुल पत्थर की तरह। पत्थरों से इंसान कब तक सर टकरा सकता है? और माननी पड़ती। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहां जाऊंगी? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जो बाबा से तुमने वादा किया? कहां जाओगी? क्यों? जो तीमारदारी कर सकते हैं क्या वो मेहमानदारी नहीं कर सकते? और जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे ससुराल तक आ सकते हैं, उसका घर तो तुम्हारे लिए कभी छोटा पड़ ही नहीं सकता। चीखो मत ज़ारा, चीखने से बातें दब सकती हैं, बदल नहीं सकती हैं। Anyway, जब वहां पर सेटल हो जाओ ना, तो आकर अपना सामान ले जाना। सब तो डाडा रोग प्यार वाला, रब किसे उस तो पैड़ा रोग जुदा
आपको पता मैं कितनी मुश्किलों से यहाँ आई। ये ले पेपर्स। वैसे ऐसे कैसी इमरजेंसी थी? मैं बस कुछ वेरीफाई करना चाहता था। क्या वेरीफाई करना? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि साथ ने ज़ैन के नाम पर पेपर्स क्यों भेजे। इसका मतलब ज़ारा घर पर नहीं। साथ को शक होगा कि ज़ारा ज़ैन के साथ हो। कहीं वाकई ऐसा तो नहीं? नहीं। और अब तुम कोई फजूल का वहम मत पालना। वहम नहीं जाफर भाई, रियलिटी है। मुझे तो इसी बात का इतना बड़ा शौक है कि साथ ने ज़ैन के नाम पर पेपर्स क्यों भेजे। खाला ने मुझे निका की बातों पर उलझा दिया था, इसीलिए मैं ज़्यादा सोच नहीं सकी। निका जी, आपको भी फोन आ जाएगा। मम्मी और खाला ने मिलकर संडे की तारीख तय की। इस संडे का? दो दिन बाद। मुझे और ज़ैन को भी अभी पता लगा। ये अम्मी भी ना, पता नहीं कभी कभी इतनी रैंडम डिसीजंस क्यों ले लेती है। माँ है ना, शायद आने वाले खतरे को उन्होंने महसूस कर लिया। आप भी घर आ जाएं जाफर भाई, खाला बहुत अकेली होगी। और ये पेपर साथ को देकर जरूर पता लगाइएगा ज़ारा कहाँ है, और मुझे जरूर बताइएगा ना। मेरा गिल्ट मुझे खुश नहीं रहने देगा। चले, मैं चलती हूँ। आई हैव टू गो। प्लीज फैजान, रिप्लाई करो, मुझसे तुम्हारा नंबर मिसप्लेस हो गया। फैजान, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। साथ मेरा कज़न और अब मेरा हस्बैंड तुम्हारे साथ काम कर रहा है। प्लीज़ कभी उस पर यह बात जाहिर मत होने देना कि ज़ैन तुम्हारा दोस्त है, वरना उसे इतनी बड़ी गलत फहमी होगी कि यह जवाब उसे ज़ैन की वजह से मिलेगी। तुम सोच नहीं सकते कि उसकी सेल्फ इस्टीम कितनी हर्ट होगी। बाकी जो कुछ भी हुआ वो तो तुम्हें पता लग ही गया होगा। प्लीज रिप्लाई करो। परेशानी तो है, लेकिन अब बस दुआ करो तुम। अम्मी, एक मिनट। अम्मी, खैर? अम्मी, हाँ भाई, क्या हो गया? मैं फोन पे थी। साथ साथ क्या हुआ? मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम ये खाओ ना, गोली खा लो। मैंने खाई है, दर्द नहीं ठीक हो रहा, सब दर्द आ रहा है मेरे। अच्छा अच्छा, लेट जाओ लेट जाओ, साथ लेटो। ये कमरा बंद करके और सिगरेटें फूको तुम। मैं साथ में आसद को फोन करती हूँ। नहीं, वो मैंने पूछना था, आसद है? वो साथ की तबीयत बहुत खराब होगी, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, वो आ सकता है? हाँ प्लीज, हाँ जल्दी। ओ हाँ हाँ, ओके ओके। इना, तुम कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? बस घर पर दिल घबरा रहा था, तुम सोचा बाहर घूमा ड्राइवर के साथ। हाँ, I thought तुम सो गए होगे। You thought? तुम तो ऊपर आके कमरे में कंफर्म करने वाला मुझसे। हाँ तो नहीं किया, तुम तो मुझ पर शक ही करने लग गए। शक? मैं तुम पे शक क्यों करूंगा? तुम वेट एक्ट करी थी, एक सवाल पूछा है मैंने। मैं कोई वेट एक्ट नहीं कर रही, तुम वेट एक्ट कर रही। खासकर जब से निका की बात हुई है, अजीब सा बिहेव करने लगे। तुम्हारे लिए मुझ पर इल्जाम लगाना कितना आसान है। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, यही सब कुछ करोगी तो डर लग रहा है भाई। अच्छी बात, डरना चाहिए तुम्हें।
इसी में तुम्हारा वो तो मैं देख रहा हूँ। समझे तो जाफर भाई से बात हुई? नहीं, मेरी तो नहीं, खाला की हुई थी। इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, आंसर ही नहीं करते फोन। बिजी होंगे या नाराज? नाराज क्यों? उन्होंने मुझे कॉल की थी, कहा था अशोक हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं लेके जा सका, उसी दिन सब कुछ हुआ था। नहीं, अशोक की तबीयत कैसी होगी? वो तो ठीक है, ठीक होगा, मेरा मतलब वरना बता देती ना। चलो, काफी देर हो गई है, तुम भी सो जाओ, कल बात करूंगा। टाइम देखा है तुमने? यू एक्टिंग प्रीटी वियर्ड। चलो, अरे जो लव्स वियर्ड है ना, प्लीज इसकी जांच करो। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैं आने ही वाला था। नहीं बस वो आशर उठ गया था जल्दी, उसे भूख लग गई थी तो। अच्छा, ला मुझे। नहीं ऑलमोस्ट हो गया है, कोई बात नहीं। अच्छा वो मैं बताना भूल गया था, मैंने मासी का इंतजाम कर लिया है, इंशाल्लाह कल से ज्वाइन कर लेंगे। फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि एक बार तुम मिल लो। मैं क्यों? नहीं, ताकि ये देख सको कि वो ठीक रहेगी या। घर भी आपका है और लोग भी, जो आपको ठीक लगे वो देख लीजिए। सुबह सुबह फल खाते हैं हम। जारा, आशर के आने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, बैठोगी? देखो जारा, मैं जानता हूं ये बात पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। हमारे दरमियान जो कुछ हुआ है वो ना मैं बदल सकता हूं ना ही तुम, लेकिन आगे क्या करना है ये सिर्फ तुम मुझे बता सकती हो। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने खुद कुछ नहीं सोचा है तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? फिर भी किसी के साथ कुछ डिस्कस तो किया होगा, सारा के साथ? उसके हालात कौन से डिफरेंट है मुझसे? वो से एक गुजारिश के रद्दिया कबूल होने पे हमारी जिंदगी का इन्हिसार था। जब से वो गुजारिश रद्द हुई है हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हो पाई। मैं जानता हूँ ये एक जाती सवाल है, लेकिन सारा ठीक तो है? मेरा मतलब है उसकी जिंदगी में सब ठीक तो है ना? एक बात बताए, अपने सारा को बद्दुआ तो नहीं दी थी ना? मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। क्यों? सारा खुरम के पीछे गई थी, वहां जाके पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड है। मैरिड ही नहीं बल्कि उसका एक बच्चा भी है। एक बीमार बीवी को छोड़ के वो सारा के पीछे यहाँ पाकिस्तान आ गया। पर वो सारा के पीछे क्यों आया? ऐसे मर्द जब पकड़े जाते हैं तो सच कहाँ बोलते हैं। उसने कहा कि पहली शादी सिर्फ दौलत के लिए की थी उसने, वो सिर्फ उसकी एक मजबूरी थी, दैट्स इट। मजबूरी, माय फुट। कदमों में ही है वो सबके। और उसकी वो बीमार बेचारी बीवी, उसने खुरम की नियत को भांप लिया था, इसीलिए अपना बच्चा पाकिस्तान भिजवा दिया। जुर्रत कैसे हुई मेरे साथ बैठने की? सारा, एक बार इत्मीनान से मेरी बात सुन। तुम्हारी बात सुनूं? मैंने सब कुछ देख लिया है खुरम, अब तुम क्या सुनाने आए हो मुझे? स्टोरी की एक साइड सुन के फैसला नहीं कर सकती। क्या बात कर रहे हो खुरम, यहाँ तो तुम्हारी असलियत पूरी की पूरी सामने आ चुकी है। और तुम मुझसे क्या शेयर करना चाहते हो? यही कि तुम इतने भोले थे और तुमने किसी की बातों में आकर उससे शादी कर ली, बच्चा पैदा कर लिया,
और फिर तुम अपनी मरती हुई बीवी को छोड़कर वहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गए। और अब जब दोनों ही तरफ तुम्हारी असलियत खुल के आ गई है सामने, तो तुम बिला वजह हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक बात तुम सुन लो खुर्रम, इस दफा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। ये सब वो बातें जो उसने तुम्हारे कानों में भरी है। एक गरीब यतीम तीन बहनों का अकलौता भाई और क्या करता, और ये सब कुछ नहीं करता तो तीन तीन बहनों की शादी किस तरह करता। मुजरिम होकर आवाज ऊंची नहीं करते। चलो मान लिया कि तुम्हारी कोई मजबूरी ही थी, जो कि बहुत ही घटिया मजबूरी थी, लेकिन उसके बाद कम से कम इतनी कर्टसी तो करते कि जिस औरत ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, उसका बुरे वक्तों में तो साथ देते। तुम्हारी शादी का सुना तो मुझसे नहीं रहा गया। मेरा कसूर इतना है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। कितने मासूम बन रहे हो तुम खुर्रम, कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे, यहाँ बीवी और बेटे की और वहां मेरी और जारा की। मेरी बुराई नजर आती, ये नजर नहीं आ रहा कि उसने मुझसे मेरा बेटा तक छीन लिया है। ज्यादा मजलूम बनने की कोशिश मत करो, और ये उसका एहसान था कि उसने तुम्हें जेल नहीं भिजवाया, वरना तुम जैसे घटिया और बेगैरत इंसान को तो बख्शना भी नहीं चाहिए। और बेटा, जाहिर सी बात है तुम्हें उसी का अफसोस होगा, तुम्हारी आखिरी लॉटरी तो वही है। बस सारा बस। हाँ बस खुर्रम, अब तुम जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ कि मैंने कहा था अम्मी, लेकिन मैं अपनी बात से फिर तो नहीं रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना। तुम्हारी ये तसल्लियाँ पिछले कई दिनों से सुन रही हूँ मैं। अब मैं तुम्हें बुला नहीं रही जाफर, दावत दे रही हूँ। संडे को तुम्हारे भाई का निकाह है, जरूरत समझो तो आ जाना। वैसे ये अलहदा निकाह रखने की क्या जरूरत थी? तुम आ जाओ, सब समझा दूंगी, जरूरियात भी और नजरियात भी। जी इंशाल्लाह। आपको चले जाना चाहिए। और आपको नहीं लगता कि आपको मेरे साथ आना चाहिए? मैं समझी नहीं। शायद खुदा मुझे एक मौका दे रहे हैं ताकि मैं अपनी गलतियां ठीक कर सकूं। मैं अम्मी से और जैन से बात करूंगा, और तुम हिना की फिक्र मत करो, वो एक समझदार लड़की है, बहुत मैच्योर है वो। वाह, अपनी गलतियों का मदावा करने के लिए आप किसी की पूरी जिंदगी गलत करने चले? ये बर्बादियों का सिलसिला खत्म करना चाहते हैं आप? दिल चाहे किसी मैच्योर इंसान का दुख है या किसी बेवकूफ का, तकलीफ बराबर की होती है। और आपको अंदाजा भी है कि हिना जैन से कितनी मोहब्बत करती है। ये बात तुम कैसे जानती हो? जो लड़की अपनी मंगनी का इन्हिसार मेरी इजाजत पर रखे तो सोचे इससे अपनी मोहब्बत पे कितना एतमाद होगा। और एतमाद तो इश्क वालों को होता है, इश्क वालों की कदर करनी चाहिए, उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। और धोखा खाने का दर्द तो आपसे बेहतर और कौन महसूस कर सकता। तुम फिर भी सोच कर जवाब दे सकती। सोच कर? आप जानते हैं आपके बारे में सब कुछ सुनने के बाद मेरा दिल क्यों साफ हो गया? क्योंकि आपने जो कुछ भी किया वो सोचे समझे बगैर किया, वो आपका रिएक्शन था। और मैं बकायदा सोच समझ कर किसी के साथ ज्यादती करूंगी तो मैं खुद को माफ भी किया, मैं तो सुकून से भी नहीं रह सकती। आप जाइए, इस बार जैन को आपकी ज्यादा जरूरत है। लेकिन तुम? मैं गलत फहमियां दूर होने का इंतजार करूंगी। कल रात से मेरी जान सूली पर लटका कर तुम क्या मोबाइल में लगे हुए हो?
बिना वजह जिद की तुमने। टेस्ट करवा लेते, कम से कम वहम तो ना रहता दिल में। ठीक हूँ मैं अम्मी, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है मुझे। तुम कैसी बातें कर रहे हो साहब? अपनी हालत देखी थी रात को, तकलीफ से तुम्हारा चेहरा लाल हो गया था। और फिर डॉक्टर पागल तो नहीं है जो इतने सारे टेस्ट लिख के दे दिए उन्होंने? डॉक्टर्स को भी तो कहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। तुम होश में हो साहब? कल रात तो मेरी जान ही निकाल दी थी तुमने। वो तो भला हो साजदा और असद का मेरी एक कॉल पर आगे, वरना मैं अकेली क्या करती। चलें, एक बात तो साबित हुई कि मेरी वजह से दूसरे परेशान नहीं हो सकते, तो क्या फायदा ऐसे वजूद का। कैसी बातें करने लगे, और वो भी माँ के सामने। माँ के दिल पे क्या गुजरेगी सोचा है कभी? बस ये जवान औलाद, अपनी मोहब्बतें याद रहती हैं। माँ बाप की मोहब्बत का क्या कुछ पता नहीं। यही तो मोहब्बत की फितरत है, जो मोहब्बत का इजहार करे वो खुद दूसरे इंसान को जख्म देने का लाइसेंस दे देता है। जब सब समझते हो तो फिर ये जख्म क्यों देते? अपने लिए ना सही साहब, मेरे लिए। एक बार रिपोर्ट्स क्लियर आ जाएंगी, सब वस्फ से खत्म हो जाएंगे। वो आ गया मेरा ख्याल असर। चलो उठो, तैयार हो जाओ। पता है बिला वजह किसी को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। तो मना कर दें आप? वैसे भी मैं अभी इस काबिल हूँ कि खुद आ जा सकूँ, एहसानों तले दब के इस नहर तक पहुँचाऊँ। मजीद एहसान नहीं चाहिए मुझे। अरे बैग कहाँ लेके जा रही हो? इधर ही रखो, मैंने सामान देखा है अभी। क्या हो गया? इधर लाउंज में सामान देखोगी? जाओ इसे कमरे में लेके जाओ, वहीं दिखाऊंगी। जाओ चले जाओ। तुम दोनों की बहस खत्म हो जाए तो मुझे ये बता दो कि चाय पियोगी समीना या फिर खाना लगवाऊं? नहीं, चाय पियूंगी, खाना फ्लाइट पे खा लिया। जाके ईमेल चेक करो आया कि नहीं आया। अच्छा मतलब बेटी को कोई लिफ्ट ही नहीं? अब तुम इनकी नहीं बल्कि मेरी बेटी हो, इसलिए सारी लिफ्ट्स तुम्हें मुझी से मिले। That's like a good mother. अच्छा सब खैरियत तो है, तुमने इतनी इमरजेंसी में निकाह क्यों रखवाया है? बस समीना, मेरा दिल तो वसवसों से भरा पड़ा था, मुझे इसका इसके अलावा कोई हल नजर ही नहीं आ रहा था। सच बताओ अफशा, जैन ने कुछ कहा तो नहीं? वैसे ही हालात इतने नाजुक हैं। देखो मुझसे कोई बात छुपाना नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। माँ हो ना, देखा आ गया ना वसवसा दिल में। नहीं समीना, ऐसी कोई बात नहीं, बस अपने और तुम्हारे दिल का इत्मीनान चाहती थी। अल्लाह दोनों के नसीब अच्छे करे। आमीन। जाफर घर पे नहीं है? वो आया ही कब है? अब तो मुझे जैन को छोड़ जाफर की फिक्र होने लगी है। उसके अंदर भरी तलखियों ने उसकी जिंदगी को मजीद तलख बना दिया। देखो अफशा, अकेलापन इंसान को मजीद तलख कर देता है, और जो कुछ जाफर के साथ माजी में हुआ वो किसी क्यामत से कम नहीं था। मेरी मानो तो उसे शादी के लिए मना लूं। समीना, तुम्हारे सामने कितनी मेहनत की थी ना उसे पहले शादी के लिए कायल करने में, अब तो मेरे में हिम्मत ही नहीं उससे शादी की बात करने की। लेकिन तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी ना? आई एम श्योर उसको इस बात का एहसास हो गया होगा। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ, दिखाती हूँ। चलो समीना, तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की आदतें बिल्कुल फर्क है। उसे शॉपिंग से कोई गर्ज नहीं है और तुम होगी इतनी शॉपिंग करके आ गई। अच्छा चलो ना, अब 3 स्पून खुद से खाने, ठीक है? चलो शाबाश, स्पूनफुल। हेलो, हाँ सारा कैसी हो? सारा किस्मत ने क्या जोरदार चांटा मारा है मेरे मुंह पर। सारा क्या हुआ है, ऐसे हिम्मत मत हारो तुम प्लीज। तुम्हें पता है इस वक्त खुर्रम का बेटा पाकिस्तान में किसके साथ है? वो जाफर के साथ है। जाफर और समीना ने तकरीबन मंगनी कर ली थी यहाँ पर, वो दोनों एक साथ पढ़ते थे। जब जाफर पाकिस्तान गया अफशा आंटी से बात करने के लिए, तो खुर्रम ने अपने झूठे प्यार में समीना को फंसा लिया उसकी दौलत के लिए और उससे शादी कर ली। इससे पहले कि जाफर घर पर कोई बात करता, उसे इन दोनों की शादी की खबर मिल गई और उसने कभी पलट कर दोबारा नहीं देखा। माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस सारा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। लेकिन जाफर ने मेहंदी वाले दिन खुर्रम को देखा था। जाफर खुर्रम को बिल्कुल भी नहीं जानता था।
यहाँ इन दोनों की शादी की खबर सुनकर उसने कभी पलट कर नहीं देखा। और जब जाफर अशर की कस्टडी के लिए यहाँ पहुँचा तो उस वक्त खुर्रम मेरे साथ पाकिस्तान में था। और वो जितनी दफा भी उससे मिली है बाहर मिली है, क्योंकि जाफर ने उसके घर आने से इनकार कर दिया। तुम सारा, अब तुम वहाँ क्या करोगी? मैंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी की खुशियाँ उनसे छीनी है जारा। शायद एक मरती हुई औरत की मदद करके अल्लाह ताला मुझे कुछ सवाब कमाने का मौका दे रहे हैं। तुम खुद सोचो जारा, कौन माँ अपनी औलाद से अलग होना चाहेगी? तुम प्लीज कुछ दिनों के लिए यहाँ आ सकती हो जारा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नहीं सारा, नहीं, मेरा मतलब है मैं नहीं आ सकती सारा। मुझे तुम्हारी जरूरत है जारा, और आई एम श्योर अगर तुम साथ को ये सब कुछ बताओगी वो तुम्हें यहाँ आने से कभी नहीं रोकेगा। प्लीज आ जाओ जारा, आई नीड यू, वरना मैं साथ से खुद बात करूंगी। ये बात नहीं है सारा, एक्चुअली वो क्या है ना कि मेरा वीजा एक्सपायर हो गया है। तो दोबारा अप्लाई कर लो वीजा के लिए जारा। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? अब तो 399 स्पून हो गए। तुम कहाँ हो अभी? सारा एक्चुअली वो कुछ गेस्ट आए हुए हैं, मैं तुम्हें रात में फोन करती हूँ, फिर वीजे के बारे में बात होती है। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज़। ओके बाय। बेटा ठीक से खाओ। अस्सलाम वालेकुम सर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी ठीक हूँ। भाई आप ही की कॉल का वेट हो रहा था, जल्दी आ जाओ, अगर आप नहीं आएंगे तो मेरी शादी रुक सकती है। इसलिए कॉल नहीं की मैंने, आपकी सेक्रेटरी की कॉल आई थी मुझे। मेरे पास ऑफिस का कुछ सामान गलती से रह गया, आपकी मौजूदगी में वो वापस करना चाहता हूँ। आप उसकी बातें क्यों सुन रहे हैं? वो तो बिल्कुल पागल है और मैं उसे जल्दी फायर करने वाला हूँ। क्या बात है आपकी, दोस्ती की खातिर आप लोगों को रखते हैं और दोस्ती की खातिर लोगों को फायर करते हैं। देखो साथ, ये सारा मामला एक गलत फहमी है और गलत फहमियाँ फोन पे हल नहीं होती, तो आओ बैठ के बात करते हैं। देखिए मैं सिर्फ एक ऑफिशियल काम के लिए आ रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ लोगों के साथ डिस्कस नहीं करता। अच्छा ठीक है, मैं इस पूरे हफ्ते ऑफिस में हूँ, बल्कि आजकल तो मैं संडे को भी वहीं पे होता हूँ, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम आ सकते हो। ऑलराइट देन, आने से पहले कॉल करूँगा आपको। मुझे पूरा यकीन है आपने वहाँ ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाई होगी, और ना आपका ब्लड प्रेशर कभी ऐसे हाई ना होता। तुम्हें तो मालूम है ना कि वहां पे इंश्योरेंस क्लेम करना कितना मुश्किल है। तो मामा आप मुझे ले जाती, आपको भी तो सारे काम खुद करने का शौक है। मैं तुम्हें सारे झमेलों में नहीं फंसाना चाहती। जैन अभी तक नहीं आया? आ गया होगा शायद, जिम चला गया। शायद? क्या मतलब शायद? दो दिन बाद तुम्हारा निकाह है और तुम अभी इन मफरूजों पे चल रही हो? मामा दो दिन बाद निकाह है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसको जंजीरों से बांध। हाँ, हरकतें तो उसने ऐसी की है कि उसका जंजीरों में बांधना बनता है। ये आनन फानन जो अफशा ने दो दिन में निकाह रख लिया है ना, मुझे तो उसके पीछे कोई गड़बड़ लगती है। क्या मतलब? उन्होंने हम दोनों से कहा है कि हमारा फैसला है। तो फिर मेरा शक सही निकला, ये जो इधर उधर की बातें हो रही हैं, इसके पीछे कोई वजह है? कोई वजह नहीं है मामा, आप प्लीज अपने दिल से ये वहम निकाल दें। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मैं आपकी जैन से बात करा देती हूँ, आपके भी दिल को सुकून मिल जाएगा। जैसे उसको तो मालूम ही नहीं है ना कि उसकी खाला वापस आ गई है, सलामी करने आ जाता। स्टॉप बीइंग अ टिपिकल सास मामा, मैंने ऐसे ही कह दिया शायद वो घर ना आया। आप अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें और शुक्र करें कि काम करने वाला मेहनती लड़का है, कोई निकट्टू नहीं जो घर बैठा रहे। मुझे सपोर्ट करने के बजाय आप पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ लगाए जा रहे। हाँ फिजान, कुछ बना? जैन यार आज तेरे लिए एक गुड न्यूज है, साथ की कॉल आई थी। वो ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं? यार पहले उसे आने तो दे, तू जॉइनिंग तक पहुंच गया। हमारा मकसद उसकी गलतफहमी को दूर करना है। ज़ारा के बारे में कोई बातचीत तो नहीं हुई? क्या हो गया ज़ैन, तूने भंग शंग तो नहीं पी ली? उसने मुझसे गप्पे हांकने के लिए फोन नहीं किया था, तो ऑफिस का कुछ सामान था और वो वापस करना चाहता है, इसलिए उसने फोन किया था।
कब आ रहा है? आने से पहले कॉल करेगा। देख फिजान, वो जब भी तुझे कॉल करे तूने मुझे कॉल करके बताना है। इस गलत फहमी का दूर होना बहुत जरूरी है ज़ारा के लिए। हेलो फिजान, मैं तुझे कॉल करता हूँ। ओके ओके बाय। फोन बंद क्यों कर दिया? बात करते रहते। नहीं, वो आज साद ने फिजान को कांटेक्ट किया था, यही बताना था कि वो गलत फहमी दूर हो जाए तो वापस ज्वाइन कर सकते। क्या कहा साद ने? बस यही कहा था कि ज्यादा कोई खास बात नहीं हुई, मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ, सही कह रहे हो तुम, सब ठीक हो जाएगा। वो अम्मी तुम्हें बुला रही है। ये सब तुम्हें मिला ही नहीं, अब ताने शुरू हो जाएंगे। तुम मिलोगे साथ से? हाँ, बस ये आखिरी गलत फहमी दूर हो जाए। कब कब मिलोगे? पता नहीं, रजान बताएगा। एनी ऑफ ट्रस्ट मी यार। आई डू। चलो सब लेके खाला सास बने। ज़ारा, आओ ज़ारा, रुकैया, ये ज़ारा बीबी है, तो आज से आप इन्हीं के साथ, ठीक? आपकी फैमिली में बस ये टोटल तीन लोग हैं, मियाँ, बीवी, एक बच्चा, और कोई नहीं है? फौरन ये सब कुछ जानना क्या ज़रूरी है? अब दिन रात इस घर में रहना है तो घर वालों का तो पता होना चाहिए। आप किचन में जाइए, मैं आपको साथ से सब बताती जाऊं। आप घर चले जाएं, आंटी वेट कर रही होंगी आपका। हाँ हाँ, मैं चलता हूँ। वैसे अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। आप जब अशर को यहाँ ला रहे थे तो क्या आप सब कुछ जानते थे? मालूम था, बस यही नहीं मालूम था कि खुदा हमारी कहानी इतने इंटरेस्टिंग अंदाज में लिख रहा है। काश उस दिन मैंने खुर्रम को थप्पड़ मार ही दिया होता। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप ऑलरेडी इतनी मुसीबतें में गिरी हुई थी, मैं क्या मजीद परेशान करता? वैसे जब आपने मुझे सारा की बातें बताई, मैं बात तो करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वैसे अगर सारा को मेरी किसी मदद की जरूरत है, प्लीज डोंट हेजिटेट। जी, अब मैं चलता हूं, रात को चक्कर मारूंगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम। अरे जाफर बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम क्या हुलिया बनाकर आए हो अपना? मैं दरअसल बहुत हेक्टिक शेड्यूल था और फ्लाइट पर नींद भी तो नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम तो समझ रहे थे जाफर कि तुम निकाह पर पहुंच ही नहीं पाओगे। अरे आप कमाल की बातें कर रही हैं खाला जान, ऐसा कैसे हो सकता? हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जिस आप मेरे फोन ही अटेंड कर रहे थे, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। अम्मी सुन रही हैं? वैसे मेरा फोन जो आंसर नहीं करता, मैं भी उसका फोन आंसर नहीं करता। वैसे ये दुल्हा दुल्हन साथ क्या कर रहे हैं? शुक्र करो जाफर, बहुत मुश्किलों से एक दोनों को साथ किया है। अरे वैसे समीना कह तो जाफर बिल्कुल ठीक रहा है। अच्छा चलो ना, तुम ज्यादा बातें मत करो, फ्रेश हो जाओ और आराम करने का वक्त तो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 काम सोच रखे हैं मैंने तुम्हारे लिए। अरे मम्मी, लेकिन मैं थका हुआ हूँ और दूल्हा क्या मायूस बैठा है? तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारी शादी होगी ना, तुम्हारे सारे काम इससे करवाऊंगी। चले मैं भी आ रहा हूँ। हाँ।
फ्रेश होकर आ जाओ, बस जल्दी आ जाना। हेलो, बस जैसे कक्का निकला मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ फिजान, आज? हाँ मैं घर पे हूँ। अच्छा मैं 6 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा। जैन तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें बिल्कुल इस वक्त घर से निकलने की इजाजत नहीं दे सकती, कहीं नहीं जाओगे तुम। अमी प्लीज आज आखिरी दफा, बहुत जरूरी काम है। बेटा शादी से जरूरी काम और क्या हो सकता है? प्लीज हद करता है ये लड़का। अच्छा खैर आ जाएगा। जाफर भाई सॉरी मैं आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रही हूँ, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ये बात और किससे करूँ। कैसी बात? जैन के पास फैजान का फोन आया, वो साथ की खलत फहमी दूर करने जा रहा है। साथ को लगता है कि जारा और जैन के बीच। मैं जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं सर? इन्हें ये फुर्सत में बताऊंगा, फिलहाल जैन को रुकना जरूरी है। अगर जैन को पता लग गया कि जारा और साथ साथ नहीं है, पता नहीं वो क्या करेगा। डोंट वरी, उसे पता नहीं चलेगा। जाफर भाई हम ये सब कुछ जैन से छुपा रहे हैं, ये गलत नहीं है। मोहब्बत में और जंग में सब कुछ जायज है, ये तो सुना ही होगा। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है ये तो सुना है, लेकिन क्या मोहब्बत में जंग जायज है? हम बाद में बात करते हैं। ज़ैन, ज़ैन बात, सुल्तान, सुल्तान। जी साहब। सुल्तान कहाँ गए? सुल्तान तो अभी बाहर गए किसी काम से। और ज़ैन साहब? ज़ैन साहब तो अभी गाड़ी लेकर निकले किसी से फोन पे बात करते हुए साहब। तो फिर दूसरी गाड़ी कहाँ गई? दूसरी गाड़ी तो समीना भी लेकर गई है। ठीक है तुम जाओ। ठीक है सर। हेलो। हेलो जैन, कहाँ हो तुम? भाई मैं अर्जेंट काम के लिए निकला हूँ। बोले यार अगर ज्यादा दूर नहीं पहुंचे तो प्लीज मुड़कर वापस घर आ जाओ, मैं अब मुझे भी कहीं निकलना है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर लूंगा। भाई मुझे बहुत देर हो रही है ऑलरेडी, मैं फैजान की तरफ जा रहा हूँ, मैं उसके ड्राइवर के हाथ आपको गाड़ी भिजवा देता हूँ। मगर बाय। अरे अरे कहीं इतनी मिर्चें नहीं डालो, अशर इतनी मिर्चें नहीं खाता है। आप मुझे एक दफ़ा बता दें कौन क्या क्या खाता है, कपड़े कब प्रेस चाहिए वगैरह वगैरह। हाँ फारिग हो जाओ तुम तो बता दूंगी मैं तुम्हें। वैसे आपके शौहर क्या शहर से बाहर गए हैं? शौहर? हाँ काम से गए हैं वो, सूटकेस लेकर। क्या उनका कोई और घर भी है? आप अभी खाना पकाने पे ध्यान दीजिए, वक्त के साथ साथ सारी जरूरी बातें मैं बताती जाऊंगी। हाँ फोन तो जल्दी उठाया करो, वो आदमी है ना इस घर में जो रहता है वो कहीं बाहर गया है। आ जाएगा, तुम किस अंदाज में आ रहे हो? रिलैक्स करो, बैठो। ये ना हो मुझे देख के फौरन वापस चला जाए। अब तुम दोनों के दरमियान कोई राम लीला भी नहीं हो रही। और बाय द वे आंटी ने तुम्हें निकलने कैसे दिया? आज तो तुम्हारी माइयो है ना। बस करो फिजान, मजाक का मूड नहीं है। मजाक के अलावा तुम्हें चाहिए तुम साथ को बताओ, उसकी ये जो शक व शुबहात हैं दूर हों। क्या बात? यही कि कल तुम्हारी शादी है। अच्छा ये बताओ कि कॉफ़ी पियोगे या टी? हाँ ज़रूर, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारा ड्राइवर चाहिए। हाँ श्योर यार, ये ड्राइवर रेडी करते हैं जैन साहब के लिए। ठीक है। रिपोर्ट्स तो आ गई हैं, अब डॉक्टर को दिखानी होगी। अल्लाह करे सब खैरियत हो, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। हाँ वो क्योंकि आ जाओ
हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट भी आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि हाथ के हाथ उनको रिपोर्ट्स भी दिखा दूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, सब क्लियर है ना? देखिए आंटी, मैंने बचपन से लेकर आज तक आपको बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा, और वो भी तनहा। आप मुझसे वादा करें कि आप आज भी इतनी ही हिम्मत से काम लेंगे। क्या कहा है डॉक्टर ने? आंटी, आप वादा करें कि आप हौसले से सुनेंगे। तो मुझे बताओगे कि डॉक्टर ने क्या कहा है, या यूं ही हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे? आंटी, साथ को ब्रेन ट्यूमर है।